हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अमृतसर की फेमस पनीर भुर्जी, अमृतसरी पनीर भुर्जी। ये रेसिपी की टेस्ट इतनी ऑथेंटिक है कि आपको लगेगा कि आप किसी अमृतसर के ढाबे पे बैठकर ये डिश चख रहे हो। ये रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 3 छोटी कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 150 ग्राम पनीर, 1 कटा हुआ प्याज और 1 मीडियम कटा हुआ टमेटो। अब हम 1 चम्मच तेल ले लेंगे, तेल आप अपने हिसाब से ले लेना। फिर हम इसमें डालेंगे 2 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटा तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग पाउडर। ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं तो आप वहाँ से सब चेक कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्च और इसे थोड़ा सा मिक्स करके लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से वापस एक बार और मिक्स करके लेंगे। हमें प्याज को ब्राउन, थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक प्याज। जब तक पकता है हम इसमें डाल लेंगे हमारा कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जब तक प्याज और टमेटो पक रहा है हम एक घोल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, 2.5 चम्मच दही, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच चाट मसाला। ये हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे और ये इसका घोल हम हमारे प्याज और टमाटर में डालेंगे पकने के बाद। अब आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो हमने घोल बनाया है वो, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 1/2 कप पानी डाला है अब तक और इसे अच्छे से अब हम मिक्स करके लेंगे। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पका कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे मिक्स करके लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसा हुआ पनीर। आप चाहिए तो इसे मैश भी कर सकते हैं, आपको पनीर जैसे पसंद है आप वो हिसाब से डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छे से और एक बार मिक्स करके लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आपको जो कंसिस्टेंसी पसंद है पनीर भुर्जी की, अगर आपको सूखा पनीर भुर्जी पसंद है आप 1/4 कप भी दूध डाल सकते हो, या फिर आपको ये कंसिस्टेंसी पसंद है तो 1/2 कप दूध डालिए। फिर हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे और गार्निश करेंगे धनिए के साथ और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी के साथ या ब्रेड के साथ। ये हो गई हमारी पनीर भुर्जी खाने के लिए रेडी। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी।